नमस्कार। तुम्हें यह सीखना होगा कि संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करनी है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजय प्रतीत होती है। जहां कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहां अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो, कर्म के फल को समय के धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो, अपनी शक्ति भर कार्य करो और तब अपना आत्म समर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरे के कर्मों पर नहीं। आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है जाता है, खिन्न ना हो, तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। धन्यवाद।